एवं विद्यार्थी मित्रों, अपने पार्ट दो हम भी बने महान, जो मैंने आपको समझाया था। अब हम आगे देखेंगे, यहाँ पे उसका जो अभ्यास के कुछ प्रश्न दिए हैं। प्रश्न एक, पहला प्रश्न है, बच्चे को बचाने में देरी होती तो क्या होता? बच्चे को बचाने में देरी होती तो क्या होता? बच्चे को बचाने में क्या होता? तो जो बच्चा है से आ रही मोटर के नीचे आ जाता। बच्चे को बचाने में देरी होती तो सामने से आ रही मोटर के नीचे आ जाता। उसके बाद दूसरा है, दूसरों की जान बचाना हमारा कर्तव्य है, आप और किन बातों को अपना कर्तव्य समझते हैं? तो मैं यहाँ पे सीधा उत्तर लिखूंगी। विद्यार्थी मित्रों, आप लोग लिखना, यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, दूसरों की जान बचाना हमारा कर्तव्य है, आप और किन बातों को अपना कर्तव्य समझते हैं? तो सीधा उत्तर लिख रही हूँ, किसी को दुख न पहुंचाना। किसी को दुख न पहुंचाना, बड़ों का सम्मान करना, अन्याय को सहन न करना, अन्याय को सहन न करना, कभी किसी को धोखा न देना, कभी किसी को धोखा न देना, देश की सेवा करना, देश की सेवा करना।
अनुशासन का पालन करना, अनुशासन का पालन करना। विद्यार्थी मित्रों, आप लोग भी मेरे साथ साथ आपकी नोटबुक में लिखना। यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न था कि दूसरों की जान बचाना हमारा कर्तव्य है, आप और किन बातों का अपना कर्तव्य समझते हैं, तो उसका उत्तर ये है कि किसी को दुख न पहुँचाना, बड़ों का सम्मान करना, अन्याय को सहन न करना, कभी किसी को धोखा न देना, कभी देश की सेवा करना, अनुशासन का पालन करना। उसके आगे तीसरा प्रश्न है, मुख्य अतिथि को द्वार पर ही रोक देना सही था क्यों? मुख्य अतिथि को द्वार पर ही रोक देना सही था क्यों? तो समारोह में प्रवेश उन्हीं को दिया जाता था जिनके पास निमंत्रण पत्र हो। मैं उत्तर बोल रही हूँ, आपको लिखना है कि मुख्य अतिथि को द्वार पर ही रोक देना सही था क्यों? उसका उत्तर है, समारोह में प्रवेश उन्हीं को दिया जाता था जिनके पास निमंत्रण पत्र हो, जिनके पास निमंत्रण पत्र हो। मुख्य अतिथि भले सम्मानीय व्यक्ति थे परंतु उनके पास निमंत्रण पत्र नहीं था, इसीलिए नियम के अनुसार उन्हें द्वार पर ही रोक दिया सही था। फिर से एक बार, समारोह में प्रवेश उन्हीं को दिया जाता था जिनके पास निमंत्रण पत्र हो। मुख्य अतिथि भले सम्मानीय व्यक्ति थे परंतु उनके पास निमंत्रण पत्र नहीं था, इसीलिए नियम के अनुसार उन्हें भी रोक दिया गया था। उसके बाद चौथा प्रश्न है, आपको कहाँ कहाँ भेदभाव की नीतियाँ दिखाई देती है, आपको कहाँ कहाँ आपको कहाँ कहाँ भेदभाव की नीतियाँ दिखाई देती हैं? तो हमारे समाज में भेदभाव की नीति में अब भी मुक्ति नहीं हो पाया है। परिवार में बेटा बेटी का, समाज में गरीब अमीरी, ऊंच नीच, जाति पाति का भेद देखा जाता है। सरकारी और निजी कार्यालय में वरिष्ठ और कनिष्ठ के बीच भेदभाव की नीति दिखाई देती है। उसके बाद आगे हैं, सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सफल होने के लिए हमें लक्ष्य के प्रति जरा भी लापरवाह होना नहीं चाहिए। लक्ष्य को पाने के लिए लगातार अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास के समय दिखाई देने वाली आपकी त्रुटियों को दूर करना चाहिए। सफल होने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? तो सफल होने के लिए हमें लक्ष्य के प्रति जरा भी लापरवाह नहीं होना चाहिए। लक्ष्य को पाने के लिए लगातार अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास के प्रति हमारे में दिखाई देने वाली त्रुटियों को दूर करना चाहिए। उसके आगे हैं, आप किसको प्रामाणिक इंसान कहते हैं, आप किसको प्रामाणिक इंसान कहते हैं? तो जो व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई के सिवाय और किसी की धन का उपयोग नहीं करता हो, उसमें प्रामाणिक इंसान है। प्रामाणिक दुकानदार वस्तु का सही दाम लेता है। प्रामाणिक अधिकारी कभी किसी से रिश्वत नहीं लेते। प्रामाणिक टैक्सी वाला मोटर में दिखाई
दाम से अधिक किराया नहीं लेता। ऐसे लोगों में प्रामाणिक इंसान कहता हूँ। उसके आगे प्रश्न दो है, आपने कोई घटना या प्रसंग सुना हो या पढ़ा हो उसे कक्षा कक्ष में कहिए और प्रस्तुत की गई घटना अपनी भाषा में लिखिए। उसके बाद प्रश्न दो तीन है, चर्चा कीजिए यदि पक्षी बोल पाते तो पेड़ों की कटाई के विषय में से आपसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे अगर पक्षी बोल पाते तो कोयल इसकी हरियाली देखकर प्रसन्नता के बारे में कुकने लगती। तोता इसी पेड़ की डालों पर मेरा बचपन बीता है, कृपा कर मुझे मत काटो, ये पेड़ तो धरती की बेटे हैं, इन्हें काटने से धरती भी रुष्ट हो जाती है। जहाँ घने पेड़ होते हैं वहाँ जंगल होता है, वहाँ अच्छी वर्षा होती है। केवल हम पक्षी ही नहीं सभी प्राणी जल से ही जिंदा है। आजकल जहाँ सूखा पड़ता है उसके लिए वहाँ के पेड़ों की कटाई की जिम्मेदारी है। इस तरह पेड़ों के बारे में कहा जाता है। यदि धरती बोल पाती तो मनुष्य के बारे में ईश्वर से क्या शिकायत करती। अगर धरती बोल पाती तो मनुष्य के बारे में ईश्वर से क्या शिकायत करती। तो यदि धरती बोल पाती तो मनुष्य के बारे में ईश्वर से कहती कि हे प्रभु, तुम्हारा बनाया यह इंसान बहुत बुद्धिमान है। क्या कहती कि तुम्हारा ये बनाया हुआ इंसान बहुत बुद्धिमान है। इसकी बुद्धि के चमत्कार देखकर तो आप भी हैरान हो जाओगे। बिजली, सिनेमा, टेलीविजन, मोबाइल, टेलीफोन, कंप्यूटर, हवाई जहाज, रेलगाड़ी, मोटर, अरे कहाँ तक गिनाओ। इसके कर्तव्य शहरों में इसने स्वर्ग ही खड़ा कर दिया है। यह अगर धरती बोल पाती तो मनुष्य के बारे में ऐसा ईश्वर से कहती कि इसने बम और मिसाइल जैसे विनाश के भयानक साधन बनाए हैं। पेड़ मनुष्य को फल फूल छाया लकड़ी और न जाने क्या क्या देते हैं। इन्हें यह बड़ी बेरहमी से काट डालते हैं। इसमें इतनी भी बुद्धि नहीं है कि पेड़ पकाट कर यह अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार गए हैं। सूखा बड़ आदि के रूप में उसका परिणाम भी वह भुगत रहा है, फिर भी इसकी आंखें नहीं खुलती। हे प्रभु, अब आप ही इसे समझाइए और अपने राह दिखाइए। उसके बाद आगे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे प्रश्न पांच है कि निम्नलिखित परिच्छेदों के में उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य फिर से परिच्छेद फिर से लिखिए। जमाने की है
की है। वहां जाकर बोले, मिलकर एक बार इस तरह इस फकरे में प्रश्न 5 में योग्य विराम चिन्ह लगाकर परिच्छेद को वापस लिखा है। तो कौन सा विराम चिन्ह कहाँ लगाना है, तो मैंने यहाँ पे लगाया है। तो बात पुराने जमाने की है, उन दिन बताओ और दानवों में युद्ध होता रहता है था। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए, वहाँ जाकर बोले वक्रण चिन्ह में, मान्यवर हम दोनों ही आपकी संतान हैं, बताइए कि हम दोनों में बड़ा कौन है। तो प्रश्न पूछा गया है, इसलिए प्रश्नार्थ चिन्ह और अवतरण चिन्ह पूर्ण। उसके बाद यहाँ पे दूसरा परिच्छेद है,
विद्यार्थी मित्रों, ये अपना अभ्यास पूर्ण हो गया है। अब स्वाध्याय बाकी है, जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। आज का जो पीरियड है यहाँ पे मैं पूर्ण करती हूँ। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों।